चलिए सीधा रुख कर रहे हैं यूपी विधानसभा का, जहां इस बार बजट पेश कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें यूपी विधानसभा से। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज ये घटकर लगभग 4.2% हो गई है। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। मानवर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए, जहां उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किए गए। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फ्रांस, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 8 प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरण ऊर्जा 16%, इलेक्ट्रॉनिक्स 12%, औद्योगिक पार्क 11%, शिक्षा 9% तथा लॉजिस्टिक्स 9% सेक्टर्स में किए गए हैं। सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ। और फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। मानवर ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के अंतर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और संभावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहत एवं व्यापक अवसर होगा। वित्त मंत्री जी, ये जो ऊपर कंट्रोल रूम वाले हैं, जैसे जैसे माननीय वित्त मंत्री जी पढ़ेंगे वही लाइन ऊपर चली जाए, क्योंकि पहले सामने आ रहे फिर बाद में आप पढ़ रहे हैं, तो जो लाइन पढ़ेंगे वही सिर्फ ऊपर जाएगी, उस बात का ऊपर से ध्यान देंगे। ठीक है, वो जैसे भी आप कंट्रोल करेंगे उस हिसाब से, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने निवेदन किया बस, विनम्र। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे